अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आसिफ अंसारी, वेलकम टू माय चैनल किरण फैशनी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कोट की कटिंग और स्टिचिंग। इसके बारे में हमारी ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि आप कोट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाए, तो हमने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसकी कटिंग भी सिखाई है और स्टिचिंग भी सिखाई है। आप एक भी चीज़ मिस नहीं करना, तो आप भी अपने कोट की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखें। और दोस्तों ये देखें, ये हमने पीस बिछा लिया है, अपना बैग बिछा लिया और फ्रंट भी बिछा लिया। तो ये हम अपनी पिक्चर देखें आप, ये पिक्चर है, इस सेम हमने इसको इस तरीके से कॉपी करना है, यानी कि जो हमारी पिक्चर में डिज़ाइन आ रहा है कोट का, हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप लॉन्ग चाहें तो लॉन्ग भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लंबाई कितनी आपने लेनी है। हम अपनी कमीज़ के अकॉर्डिंग लेंगे लंबाई। अब फ्रंट को और बैग को हमने बिछा लिया है, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन खींच दी है सीधी, ताकि कपड़ा बिल्कुल सीधा आ जाए लकीर की वजह से। अब ये 8 और 14 और 19 के ऊपर हमने ये गिराना है। 8 पे गिराया पहले मैंने, फिर 14 पे गिराया, फिर 19 पे गिरा दिया, लकीरें निशान उठा लिए। अब इन पे हम सीधी सीधी लकीरें खींच लेंगे। ये हमने 3 लकीरें खींच ली, एक शोल्डर की लकीर है, शोल्डर की लकीर के ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया 7.5 इंच का, 3 इंच का इसका हाले का निशान लगाया जो कॉलर जिसमें लगेगा, 10 इंच का चेस्ट का निशान लगा दिया और 8.5 इंच का हमने कमर का निशान लगा दिया, 22 इंच का इसके ऊपर हमने हिप का निशान लगा दिया। तो आपने साइज़ के हिसाब से इसकी सेटिंग कर लीजिएगा, बस ये एक डेमो के तौर पे है ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कटिंग हमारी किस तरीके से। चेस्ट का निशान लगाया, कमर का निशान लगाया, अब इसी निशान को हम बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। आपको घेर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे से फ्रंट और ये पूरा ओपन है कोट, तो बस हम इसको इसी हिसाब से नीचे ले जाएंगे, जैसे कि कमर के शेप के हिसाब से उठाएंगे और हिप के शेप के हिसाब से, और पूरा नीचे ले जाएंगे। हारमोन के निशान उठा लिए, अब हम इस पर कटिंग की मदद केशी की मदद से कटिंग कर देंगे, ठीक है। पहले हम बैक की काटेंगे, दोनों बराबर काटेंगे, बैक के हिसाब से काट लेंगे, ठीक है। फ्रंट हम बाद में काटेंगे, इसके अंदर खुट के लगा लेंगे हम, ये हमने जहाँ पे निशान लगाए हुए थे। अब हम फ्रंट काटेंगे, इसका बैक छोड़ देंगे, फ्रंट की घिराई गिरा देंगे हम हारमोन की। खुट के लगा लिए हमने, अब ये हम नीचे तलक इसकी कटिंग कर देंगे और ये हमारी कटिंग हो गई कम्प्लीट, ठीक है। दामन हम बिल्कुल सीधा रखेंगे आगे पीछे का, बाकी अब हम इसका हाला गिराएंगे, 3 इंच के ऊपर हम इसका हाला गिराएंगे, ठीक है। इसको हम हल्का हल्का शेप देंगे चाकी मदद से और अब इसके हाले की भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हाला हो गया। अब हम फ्रंट को दोनों बराबर रखे थे हमने, कोई बड़ा छोटा नहीं रखा था। अब फ्रंट को हम सेंटर से कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमने कटिंग कर दिया पूरा। अब हम इसकी स्लीव्स काटेंगे। दोस्तों स्लीव्स आप ज़रूर, ये बेल बॉटम की स्लीव्स भी सीख लें आप, ये आपके बहुत काम आएगी स्लीव्स, क्योंकि ये इसकी मैं बिल्कुल अच्छी मेजरमेंट सिखा रहा हूँ आपको। 3.5 इंच का गिराया ऊपर से, ठीक है। अब हम इसके, ये हमने 8 इंच गिराया था, ठीक, ये याद रखिएगा आप, ये 8 इंच गिराया था, तो हम इसको 8.5 गिराएंगे। ये हमने 8.5 पे गिरा दिया, ठीक है। अब जो ये आपकी ये लकीर आ रही है, वहाँ से लेके नीचे तलक इसकी मोरी तलक नापेंगे, और जो उसका सेंटर आ रहा था 9 इंच का, तो उस पर एक निशान लगा लेंगे बेल बटन में। मैं इसी तरीके से करता हूँ, आप भी इसी तरीके से कीजिएगा हमेशा। अपनी आपकी तो आई बेल बटन मशीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से कटेगी। तो अब ये बेल बटन मशीन का आपने निशान उठा लिया, हम इसकी बेल आइसिन बना रहे हैं। यह इसके हारमोन के निशान उठा लिए, जो हारमोन पर इसकी गुलाई आएगी, कमीज़ के हारमोन पर जो गुलाई आएगी उसके निशान उठा लिए, कटिंग कर ली, खुट का लगा लिया, कटिंग यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब साइड से जितना फालतू कपड़ा है शेप दे देंगे इसको, हमारी आइसिन कट गई। ये मैंने पट्टे बना के रखे हैं, ये इसके अंदर मैंने 0 की ब्लैक कलर की बकरम लगाई है, और वाइट आप चाहें तो वाइट भी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने एक पट्टी में वाइट भी लगाई है, तो ये ब्लैक बकरम लगाई है मैंने आइस्थिन के, और दामन के अंदर जो हमारी पट्टी लगेगी ये देखें, ये वाइट बकरम मैंने दिखाई, वाइट भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं। 0 की बकरम 3-4 कलर में मिल जाती है मार्केट में। तो अब ये हम फ्रंट के ऊपर आइस्थिन के ऊपर हम पट्टा लगा रहे हैं। पट्टा मैंने अपने हिसाब से रखा है 5 इंच चौड़ा रखा है आइस्थिन का और दामन का, और जो लंबाइयों में आएगा वो 2 इंच का आएगा। तो हम ये आइसिन पे पट्टा लगा रहे हैं अपना, ये आइसिन के पट्टे की सिलाई लगा ली मैंने। अब इसको फोल्ड कर देंगे उल्टी तरफ और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये हम इसकी सिलाई कंप्लीट करके आपको फिर इसका अगला स्टेप सिखा बताएंगे कि कमीज़ के अंदर किस तरीके से सेटिंग करनी है। अब ये आपने अपना फ्रंट ले लिया जो बीच में से कटा हुआ था, वहाँ से उठाएंगे हारमोन के ऊपर से उठाएंगे इसको, और इसको हम बैक की तरफ पलट देंगे अपनी पट्टी को, 2 इंच की पट्टी है हमारी। दामन सबसे लास्ट में बनाएंगे नापने के बाद, ताकि बड़ा छोटा नहीं हो, तो पहले ये सीधी सीधी पट्टियाँ लगा लेंगे। अब हम इसके इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे, फोल्ड करने के बाद पलटने के बाद सिलाई लगा ली। पहले हमने सीधी सिलाई लगा ली, उसको फिर लेफ्ट साइड पलट दिया और सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट देंगे हारमोन के हाले के हिसाब से,
अब हम दामन के अंदर एक दामन में पहले पट्टी पलट लेंगे, ठीक है, फ्रंट के। और अब ये, आप ये देखें, पट्टी पलटने के बाद आपने इसको बैक की तरफ, क्योंकि चौड़ा पट्टा है, इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। जो आपका कट की तरफ आएगा जो आगे से, तो वहाँ पे आपने हल्का सा फोल्ड करके इस तरीके से यूएचयू लगा लें, ठीक है, ताकि ये आपका अच्छे से बैठ जाए। अब इसको इस तरीके में जैसे पूरा सही तरीके से बिठाएं, क्योंकि चौड़ा पट्टा है, पतला पट्टा तो आप डायरेक्ट मशीन में बैठे ही बिठा सकते हैं, मगर चौड़े पट्टों को हमेशा अच्छे तरीके से एक सिलाई लगाने का इस तरीके से बिठाएं। और हल्की हल्की यूएचयू भी लगा सकते हैं और ऑयल पिन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूएचयू लगा रहा हूँ ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं जाए और पट्टा बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए, कपड़े में बल नहीं आए। तो जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आया, इसी तरीके से आप अपने पट्टे को पूरा बिठा लेंगे, और जब बिठाने के बाद आप सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो हम सिलाई लगा रहे हैं, आप ये देख लेना, ना हमारे पट्टे के अंदर बल आएंगे, ना हमारे फ्रंट के कपड़े के अंदर बल आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक्यूरेट हमारा पट्टा बैठ जाएगा। अब ये हमने बेक का पट्टा लगा रहे हैं, बेक के दामन का, इसको भी हम फ्रंट की तरफ पलट देंगे। इसमें भी हमने इस तरीके से हल्का हल्का बिठाया, और अब हल्की हल्की सी यूएचयू लगा रहे हैं, ये देख लें आप। और इसकी अब मैं सिलाई ऊपर लगा लूँगा। अब हमने इसके शोल्डर जोड़ना है अपनी कुर्ती, ये कोट के शोल्डर जोड़ रहे हैं आप, ठीक है। ये शोल्डर इस तरीके से जोड़ लें, हमने दूसरा साइड तैयार कर लिया, और अब शोल्डर जोड़ लिए। अब साइड की सिलाई बंद करेंगे हम, हमने आगे पीछे के दोनों दामन तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसकी साइडों की सिलाई बंद करेंगे। ये मैंने कर ली अपनी साइड की सिलाई बंद। अब आइसिंग की बारी आ जाएगी, ये देखें, अब आइसिंग की मोरी बंद कर रहे हैं हम इसकी। आइसिंग की साइड बंद करते वक्त ये नाप के निकालें, आपके हारमोन से आप नाप के हमेशा निकालें, ताकि आपकी आइसिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। अब आइसिंग को चढ़ाना सीखें, ये देखें आप, इसको फोल्ड कर लें नीचे ऊपर से, दोनों तरफ से दोनों जोड़ों को मिला लें, और आइसिंग चढ़ाना स्टार्ट करें। ये हम आइसिंग को गोल गोल घुमा दिया, पूरी आइसिंग चढ़ा दी हमने, ये हमारी आइसिंग चढ़ गई। मैं इसको सीधा उल्टा करके भी दिखा देता हूँ, ये हमारा पूरा सूट तैयार हो गया। कॉलर मैंने चढ़ा लिया था। अगर आप लोगों को कॉलर की स्टिचिंग कटिंग वगैरह सीखनी है, तो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं जिसमें मैंने कॉलर का बताया। ये देखें हमारा सूट कोट बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये देखें आगे से उतना ही ओपन आ रहा है जितना हमारा पिक्चर के अंदर आ रहा था, जो डिज़ाइनर पिक्चर के अंदर आ रहा था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये भी देख लीजिए दोस्तों, इसको हमने फोल्ड कर दिया है और तुरपाई कर दी है इसके किनारों पे। नीचे भी दिखाऊंगा मैं आपको, दामन के अंदर जो साइड से बंद हुआ है बिल्कुल, उसके चाकों को हमने नीचे से फोल्ड कर दिया है और तुरपाई कर दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।